A-टाइप लैडर्स के साथ काम करते समय रिस्क असेसमेंट टियर करने के लिए नीचे दिए गए कदम फॉलो कर सकते हैं। एक, लैडर इंस्पेक्शन। लैडर को दिखने में कोई नक्सन जैसे कि टेढ़ी या डैमेज रंग्स, रेल्स या फीट के लिए चेक करें। सब हिंजर्स, लॉक्स और स्प्रेडर बार्स को ठीक से काम करने में देखें। किसी भी मिसिंग या डैमेज लेबल्स या वार्निंग साइंस को ढूंढें। दो, लैडर सिलेक्शन। टास्क के लिए सही लैडर हाइट चुनें। लैडर कम से कम 3 फीट ऊपर तक एक्सटेंड होना चाहिए लैंडिंग सरफेस से। यकीनी बनाएं कि लैडर का ड्यूटी रेटिंग वर्कर और उनके साथ ले जाने वाले इक्विपमेंट को सपोर्ट कर सकता है। तीन, लोकेशन एंड सेटअप। लैडर को स्टेबल और लेवल सरफेस पर रखें। अगर जमीन अनइवन है तो लैडर लेवलर्स या स्टेबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक तरह से कॉन्टैक्ट बनाएं। लैडर को स्लिपरी या अनइवन सरफेसेस पर बिना प्रॉपर स्टेबलाइजेशन के ना रखें। लैडर को ऐसे जगह पर ना रखें जहां से डोर्स लैडर पर लग सकते हैं। लैडर के टॉप और बॉटम को एक्सीडेंटल मूवमेंट को रोकने के लिए सिक्योर रखें। चार, एंगल एंड पोजीशन। लैडर को 75 डिग्री एंगल पर सेट करें या मैन्युफैक्चरर की सलाह का पालन करें। हमेशा लैडर के सामने रहें और चढ़न वक्त 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों हाथ और एक पैर या दोनों पैर और एक हाथ मेंटेन करें। 5, वेदर कंडीशंस। लैडर को एडवर्स वेदर कंडीशंस जैसे कि बारिश, हवा या बर्फ में इस्तेमाल करने से बचें। अगर जरूरत हो तो स्लिप रेजिस्टेंट शूज का इस्तेमाल करें और लैडर पर मजबूत पकड़ बनाएं। 6, लोड लिमिटेशंस। लैडर की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी को पार ना करें जो वर्कर टूल्स और इक्विपमेंट के वेट को शामिल करता है। लोड को लैडर पर बराबर ताल दें। 7, क्लाइंबिंग एंड वर्किंग ऑन द लैडर। कभी भी लैडर के टॉप स्टेप या टॉप कैप पर खड़े ना रहें। ओवररीच ना करें, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइड रेल्स के बीच में रखें। दोनों पाउन एक हाई रंग या स्टेप पर रखें। लैडर को स्कैफोल्ड या वर्क प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल ना करें अगर ये उसके डिजाइन में नहीं है। लैडर पर होते समय या लैडर पर खड़े समय अचानक मूवमेंट या झुकाव से बचें। 8, कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। दूसरे वर्कर्स को ये सूचित करें कि आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्घटना से बचाव के लिए लैडर की गैरमोटावी गति को रोकने के लिए एक साफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्थापित करें। 9, इमरजेंसी प्रोसीजर्स। दुर्घटना के केस में लैडर से सुरक्षित तरीके से नीचे कैसे उतरना है ये जान लें। दुर्घटना के केस में रेस्क्यू या एवैक्यूएशन के लिए एक योजना बनाएं। 10, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। वर्कर्स को लैडर सेफ्टी में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और उनको स्पेसिफिक टाइप के लैडर के साथ जो काम कर रहे हैं उससे परिचित होना चाहिए। सुपरवाइजर्स को रेगुलर लैडर की इंस्पेक्शन और वर्कर के लैडर इस्तेमाल को मॉनिटर करना चाहिए। 11, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट। दुर्घटना के केस में एक फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी इक्विपमेंट को तुरंत उपलब्ध रखें। 12, डॉक्यूमेंटेशन। लैडर की इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और वर्कर ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। एक ध्यानपूर्वक रिस्क असेसमेंट और सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करके ए टाइप लैडर्स पर काम करते समय जुड़ी खतरों को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित काम एनवायरमेंट बना सकते हैं। याद रहे कि लैडर के साथ काम करते समय सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।